जानिए सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान के बारे में। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म सुल्तान अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया था और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा अनुष्का शर्मा, रणदीप हुड्डा, अमित साधा, अनंत विधाती जैसे कलाकार भी थे। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और भी डिटेल में। सबसे पहले शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सुल्तान से। सुल्तान अली खान एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान और पूर्व कुश्ती चैंपियन हैं, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में एकांत जीवन जी रहे हैं। श्री पटेल द्वारा समर्थित एक निजी मिश्रित मार्शल आर्ट लीग के स्थापक आकाश ओबेरॉय को उनके पिता द्वारा सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा की यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देता है, जो स्पष्ट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुश्ती से पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो गया है। अपनी सेवानिवृत्ति के पीछे के कारण की तलाश में आकाश सुल्तान के करीबी दोस्त गोविंद का सामना करता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। 2008 में सुल्तान को राज्य स्तर की पहलवान और स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी आरफा हुसैन से प्यार हो गया। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति ठंडी होती है, लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। जब वह दावा करता है कि वे प्रतिद्वंद है, तो वह उसका अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित पहलवान से शादी करेगी। अपना सम्मान जीतने के लिए दृढ़ संकल्प, सुल्तान खुद को गहन प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट जीतता है, साथ ही साथ आरफा भी। दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त पहलवान बन जाते हैं। जब दोनों को ओलंपिक दल के लिए चुना जाता है, तो आरफा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है, जिसे सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे घमंडी बना देती है और वह एक कार्यक्रम में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में स्वर्ण पदक जीतने के लिए आरफा को उसकी नियत तारीख के करीब छोड़ देता है। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके नवजात बेटे की खून की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। बच्चे का ओ नेगेटिव ब्लड था, जो सुल्तान के समान था, जिसकी अनुपस्थिति ने बच्चे को दाता से वंचित कर दिया। गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है। आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि ब्लड बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत होता है और दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए यात्रा करता है, जहां आकाश उसे एमएमए कोच फतेह सिंह से मिलवाता है, जो शुरू में उसे मना कर देता है, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प को देखने के बाद सहमत हो जाता है। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और सीखता है कि फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। अपनी पहली लड़ाई में सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वह जल्दी मैचों की एक श्रृंखला जीतकर और एक प्रक्रिया में आरफा का समर्थन प्राप्त करके एक राष्ट्रव्यापी सनसनी बन जाता है। प्रतिद्वंदी टाइटन वुडली के खिलाफ सेमीफाइनल दौर के दौरान सुल्तान लड़ाई जीत जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध करना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चोटें घातक हो जाए। आरफा वार्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तान पुरस्कार की राशि को उपयोग करके एक ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक अपनी बच्ची को जन्म देती है, जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में बनाना शुरू करता है। इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग ने लोगों के दिलों को इस कदर छुआ कि इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में ही लगभग 206 करोड़ की कमाई की और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इस फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म की पावरफुल स्टोरी के साथ ही इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए, जिसमें जग घूमया, सुल्तान, वोल्ट, बेबी को बेस पसंद, बुलिया जैसे गाने शामिल थे। बता दें कि इस फिल्म के सारे गाने को विशाल शेखर ने बनाया था और इसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे थे और इस गाने को कोरियोग्राफ फराह खान ने किया था। आपको बता दें कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क अक्टूबर 2015 में शुरू कर दिया गया था और ये फिल्म 6 जुलाई 2016 में रिलीज की गई
और ये फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक में शुमार हो गई। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट फिल्म अवार्ड थे। जानिए सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान के बारे में। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म सुल्तान अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया था और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा अनुष्का शर्मा, रणदीप हुड्डा, अमित साधा, अनंत विधाती जैसे कलाकार भी थे। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और भी डिटेल में। सबसे पहले शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सुल्तान से। सुल्तान अली खान एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान और पूर्व कुश्ती चैंपियन हैं, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में एकांत जीवन जी रहे हैं। श्री पटेल द्वारा समर्थित एक निजी मिश्रित मार्शल आर्ट लीग के स्थापक आकाश ओबेरॉय को उनके पिता द्वारा सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा की यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देता है, जो स्पष्ट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुश्ती से पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो गया है। अपनी सेवानिवृत्ति के पीछे के कारण की तलाश में आकाश सुल्तान के करीबी दोस्त गोविंद का सामना करता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। 2008 में सुल्तान को राज्य स्तर की पहलवान और स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी आरफा हुसैन से प्यार हो गया। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति ठंडी होती है, लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। जब वह दावा करता है कि वे प्रतिद्वंद्व है, तो वह उसका अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित पहलवान से शादी करेगी। अपना सम्मान जीतने के लिए दृढ़ संकल्प, सुल्तान खुद को गहन प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट जीतता है, साथ ही साथ आरफा भी। दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त पहलवान बन जाते हैं। जब दोनों को ओलंपिक दल के लिए चुना जाता है, तो आरफा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है, जिसे सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे घमंडी बना देती है और वह एक कार्यक्रम में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में स्वर्ण पदक जीतने के लिए आरफा को उसकी नियत तारीख के करीब छोड़ देता है। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके नवजात बेटे की खून की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। बच्चे का ओ नेगेटिव ब्लड था, जो सुल्तान के समान था, जिसकी अनुपस्थिति ने बच्चे को दाता से वंचित कर दिया। गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है। आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि ब्लड बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत होता है और दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए यात्रा करता है, जहां आकाश उसे एमएमए कोच फतेह सिंह से मिलवाता है, जो शुरू में उसे मना कर देता है, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प को देखने के बाद सहमत हो जाता है। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और सीखता है कि फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। अपनी पहली लड़ाई में सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वह जल्दी मैचों की एक श्रृंखला जीतकर और एक प्रक्रिया में आरफा का समर्थन प्राप्त करके एक राष्ट्रव्यापी सनसनी बन जाता है। प्रतिद्वंदी टाइटन वुडली के खिलाफ सेमीफाइनल दौर के दौरान सुल्तान लड़ाई जीत जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध करना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसकी चोटें घातक हो जाए। आरफा वार्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तान पुरस्कार की राशि को उपयोग करके एक ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक अपनी बच्ची को जन्म देती है, जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में बनाना शुरू करता है। इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग ने लोगों के दिलों को इस कदर छुआ कि इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में ही लगभग 206 करोड़ की कमाई की और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इस फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई।
इस फिल्म की पावरफुल स्टोरी के साथ ही इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए, जिसमें जग घूमया, सुल्तान, वोल्ट, बेबी को बेस पसंद, बुलिया जैसे गाने शामिल थे। बता दें कि इस फिल्म के सारे गाने को विशाल शेखर ने बनाया था और इसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे थे और इस गाने को कोरियोग्राफ फराह खान ने किया था। आपको बता दें कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क अक्टूबर 2015 में शुरू कर दिया गया था और ये फिल्म 6 जुलाई 2016 में रिलीज की गई और ये फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक में शुमार हो गई। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट फिल्म अवार्ड थे। थैंक यू सर। आप मुझसे पूछोगे कि कितना एक्साइटेड हूँ तो उसके पहले ही कह देता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। माइक भी नीचे रख दूँ क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ। आज मुझे किसी का फ़ोन आया, बड़ी सेक्सी आँखें हैं, अच्छे चश्मे पहनती हैं, यहाँ पर एक दिल है, बॉब कट है उनका, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। भारत की रहने वाली हैं, उनका नाम भारती है, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि कहाँ है तू, पूरी दुनिया तेरे इंतज़ार कर रही है, यहीं पे कहीं पे बैठी होगी भारती किधर है भारती? वो पीछे और नीचे वो उधर है। थैंक यू भारती कि आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कुछ 5 मिनट लेट था। 100 साल लेट इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, उसका कोई गम नहीं है आपको। ऑलराइट सलमान सर, बट अगर कहा जाए, देखिए अगर बात करें वरुण की, अनन्या की, मेरी, हमने तो सर हम आईफा को देखते क्या देखते बात है आप लोगों की सर, सर लेकिन हम तो आईफा को देखते देखते बड़े हैं सर। आपने तो आईफा को बड़े होते हुए देखा है और फाइनली आईफा हैपनिंग इन अबू धाबी, क्या कहना है सबको सर? सर आईफा हैपनिंग इन अबू धाबी, अबू धाबी और मेरी बहुत जमती है। मुझे अबू धाबी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने काफ़ी पिक्चरें अबू धाबी में शूट की हैं और पास है, खूबसूरत है, हर चीज़ है वहाँ पर, समुद्र से लेके रेगिस्तान से लेके हर चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी भाषा भी समझते हैं, हम भी उनकी भाषा समझते हैं, और फैसिलिटीज़ हर तरीके की हमको वहाँ पर मिल जाती है। तो I think it is like the best choice for IFA. कौन सा वाला है ये? IFA 2022. नहीं, 22 वाला. 22 वाला. हाँ. All right. तो ऐसा है कि सारे बहुत excited हैं. Did you know what IFA this is? 2022. That's the year. That's the year. 22nd edition of IFA. क्या बात है यार?
सर ये पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ी नर्वस थी, कोई एक टिप देना चाहेंगे सर? हाँ, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप नेक्सा वालों को पूछ लो कि आपको गाड़ी फ्री मिल रही कि नहीं। नेक्सा वालों, मुझे गाड़ी फ्री में मिलेगी प्लीज। कंफर्म कर दो। डन सर, थैंक यू सर। चंकी पांडे की बेटी है सर। बाप पे गई है। सलमान भाई बड़ो बड़ो आंद्रे जो इतना अनवेल था, बट फिर भी आई नो, आई नो पुअर गाय। सो आईफा मस्ट बी रियली मीनिंग अ लॉट टू मी दैट यू गॉट मी फ्रॉम पनवेल टू कम हियर। जीसस। सो एंड आईफा आल्सो मींस अ लॉट टू आंद्रे बिकॉज ही इज कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल। यू वांट टू शेयर व्हाट हैपेंड टू यू? सर आंद्रे हॉस्पिटल से आए, बिल्कुल भी आंद्रे नहीं, बट पहुंच गए यहाँ पे। इन्होंने हिम्मत दिखाई, एक बार जोरदार तालियां फॉर आंद्रे। थैंक यू सो मच आंद्रे। बट मैंने करीबन आई थिंक 12-15 आईफा किए होंगे। हर आईफा के अंदर इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कभी बीपी डाउन, कभी बीपी अप, एवरी आईफा में ये हॉस्पिटल का इनका एक ट्रिप लगता ही लगता है सर। पर चलो, आई थिंक ये एक अच्छा शगुन है, इस बार भी हो गया। हर बार आईफा कमाल का होता है, इस बार शगुन पूरा हो गया, इस बार भी एकदम फैंटास्टिक होने वाला आईफा। वेल, जबरदस्त लाइनअप, इतने सारे एक्टर्स एंड द वन एंड ओनली सलमान खान सर होस्टिंग। सर थैंक यू सो मच, मैं भी आपका होस्ट कर रहा हूँ सर, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड सर। देखो ये बचपन की दोस्ती ना बहुत महंगी पड़ जाती है। हाँ सर, एक्सप्लॉयटेशन बचपन की दोस्ती में बहुत होता है। जी सर, नहीं मतलब ठीक है सर, और दोनों साइड से होता है। ये आईफा वाले मुझे बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं। हाँ। और इंटर्न मैं भी इनको एक्सप्लॉयट कर लेता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ कि जब भी, अब काफ़ी टाइम से थैंक गॉड होना भी नहीं चाहिए, कि जब भी मैं तकलीफ में आया था, पहले आंद्रे मेरे घर पे आता था। आई हैव गिवन हिम अ ब्रेक, काफ़ी टाइम से कोई तकलीफ ऐसी हुई नहीं है जो कि आंद्रे घर पे आए, तो आंद्रे का घर पे आना बंद हो गया है। आई होप ऐसे ही चलता रहे मेरे साथ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कहीं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने? नहीं सर, अभी तो सही जा रहा है। इसको 25-30 साल के बाद बोलना चाहिए था। आंद्रे कुछ कहना है आपको? You have to say something. आंद्रे say something. You've not spoken. Come on, आप पहुंची हैं। We are dying to hear your voice. आंद्रे अगर थोड़ी देर और बैठे रहे, आप और स्लिप करके नीचे जा सकते हैं। यार आंद्रे को माइक दे देता हूँ ताकि ये कुछ तो बोले हमें। हाँ, कुछ तो बोले। What do you want me to say? I'm happy to see all of you all here tonight. You sound very sexy, Andre. Yeah. Thank you so much, yeah. Salman and. Oh, you're welcome. I love you, Andre. Manish and Varun. Varun gives everybody a lot of energy. Andre is sounding like the Godfather. He's sounding like Godfather. I'll make you the IFA you can't refuse. I like Andre. Lovely. All right. All right with that. I think we're very happy. Ek bar zordar taaliyan for everybody here. So here we are. Thank you very much, ladies and gentlemen. And I'm sure IFA 2022 ekdam se कमाल का होने वाला है हर बार की तरह, एंड आप लोग भी एंजॉय करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर एक फोटो करनी। ना साइड में खड़ा, ये कट जाएगा बाद में। अब देखो शाना कैसे आया। नहीं नहीं, मेरे को मनी चाहिए तस्वीर में। भाई कौन है ये? तू स्टेज पे आके होस्टिंग करना शुरू कर दे।
तू बाहर मिल मेरे को, तेरे को सेल्फी देता हूँ मैं अकेले, मिल तू मुझे। थैंक यू मनीष। या सर प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू मनीष। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट सलमान भाई, अनन्या एंड डेब्यू तो नहीं कहूंगा बट प्लीज ये बहुत साल से हमारे इंडस्ट्री के पार्ट है, आप लोग थोड़ा इज्जत दो यार, बस क्या। मैं रिक्वेस्ट, एक सेकंड रिक्वेस्ट, रुकू कि जाऊं मैं? नहीं नहीं रुक यार। मैं रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम आईफा टू स्टे ऑन, वी'd लाइक टू डू सम प्रेजेंटेशन ऑफ प्लग्स टू आवर की पार्टनर्स हु हैव रियली सपोर्टेड अस टू बी एबल टू गेट हियर। Our first presentation is to Mr. Shashank Srivastava, Senior Executive Director, Marketing and Sales. अरे बंदी हो गया भाई भाई रुक जाओ प्लीज, भाई रुक जाओ, अलाउ नहीं है भाई, हम लोग अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, हम लोग करेंगे। थैंक यू भाई, भाई यहां पे, भाई यहां पे, भाई सामने, भाई यहां पे। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच सर। जरा जरा भैया भाई, जरा निकाल दो, भाई यहां पे। वाओ भाई, वाओ, थैंक यू भाई, लव यू, लव यू भाई।
बस कर दे मैम वेट, वीडियो पीछे है। चार रुको, चार रुकिए, चार 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 रुको 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 चार चार रुको 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 सनी जी नेक्स्ट मार्क सर, आइए सर, साथ में सनी जी, जिम पे मैं रोज मिलता हूँ। मैम सेंटर इधर, वाणी जी इधर आई मैम, और आगे बस बस मार्क आने दे, लुक सेंटर वाणी वीडियो, या वीडियो आप समझदार, वेट 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 वेट
हाँ बोलना भाई. थैंक यू थैंक यू. हाँ अरे पहले वो तो डालते भाई. थैंक यू वानी. थैंक यू. हो गया. अरे नहीं हो गया. आ जाओ इधर बुला ले. निया इधर आ जाओ. अभी निया इधर पहला आवर्ड इधर आओ. बारिश का पहला आवर्ड. मैम इधर इधर इधर. ये मार्क बाकी है. मानसून का पहला आवर्ड. मैम यहाँ पे मैम इंडिया का पहला. ऐसा बोल मैम. इंडिया का पहला आवर्ड. रुक जाए मैम. रुक जाओ. थैंक यू थैंक यू. निया वेट वेट. निया वेट वेट. Thank you. Good night. Thank you.
का बर्थडे बोलेगा तो बोलेगा अरे सलमान का मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे इसको देखते हैं भाई इधर माइक पे इसकी शक्ल तो मैं छाप लेनी चाहिए अर्जुन भाई अर्जुन भाई सेल्फी 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 फोटो ले एडवांस मुबारक बर्थडे के लिए इसके साथ में दी
राधिका जी इधर मैडम, कौन है नीचे बैठा है, उठे उठो। एक्सक्यूज मी मैम, कौन बैठा ऊपर, हो जाओ उठी ले रहे हैं। अरे उठो ना, आप कौन बैठे, अरे साइड हो जाए बाबा। राधिका दिस साइड, बस खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं है। चैनल यूट्यूब से क्या होता है, कैमरा मैन ही सब होते हैं ना। Yeah!
Three.
दर्द हो गया कंटिन्यू जाएगा सब लेट कार्तिक भाई चाय पर ही अपने बात ही है अरे ब्रदर चलो कार्तिक भाई डरी नहीं बाकी अपनी रुकिए कबीर सर हां होल्ड यहां पे आप बैठो रुकिए सर होल्ड होल्ड हां थैंक यू पिंक विल्ला एक ही तूफान मचा है
अभी मेरे पास लिए यहां पे मैम यहां पे भी मैम यहां पे राजू जू सामने और मित्र जी सामने ये कैमरा यहां पे ऋषभ मैम यहां पे देखिए ना यस राजू थोड़ा सा भाई अरे वाइड शॉट नहीं मिल रहा नुसरत मैम यहाँ पे नुसरत जी आइए सामने एकदम सारा मैम रुकिए सारा फॉर माय डॉटर प्लीज हाँ जी अरे मेरा मोबाइल गिर गया थैंक यू सर सारा सारा माय डॉटर प्लीज अरे गाड़ी आ गई प्लीज साइड से साइड जा साइड जा एक मिनट आप आ गए हटो जाना पीछे हो जाना पीछे She has come straight from Delhi just to meet you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. अरे राजेश तेरी फ्लैश आ रहा है लाइट मारोगे भाई तुम पहले लाइट मारो एकदम मारो अरुण इधर रुको ना अरे इधर रुको ना हटा दे राजा का हटा दे पीछे मारेगा उसको पीछे रख दे वो नेक्स्ट मार्क अरे और 6 मार्क है निया जी पहली आई ना भाई उसको अरे उधर ही मार लो भाई इधर का वही है ना बाप दो बार उधर रुकेगा फिर तीसरी बार रुकने वाला धोखा है ना निया नेक्स्ट मार्क निया जी एक मार्क और अरे हो गया ना भाई अभी लेके जाएगा मैम इधर बस देखो इधर कितना शांति से काम होता है निया जी लेफ्ट हाँ इधर ही देखो फिर वेट निया जी मैम इधर देखिए सेट कर वेट Now next month. Thank you. ऐसे शांति से काम होता है सीखो कुछ इधर मैम मैम एक्सक्यूज मी अरे दलवी जी
अरे उधर कहाँ जाएगी इतना लंबा लाइन। नकुल सर इधर, नकुल सर ये मार्क पे, अभी ये मार्क पे हो गया तो और एक मार्क इधर आगे। अरे होने चाहिए इधर आने के बाद भी भाई, उधर वाले इधर भी। मैम ये मार्क पे नकुल सर, सर सर ये मार्क, बस 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 निकिता ऐसा मत करो, हम लोग नहीं मिल रहा। मैम ये नकुल सर वो तो पे है, थैंक यू। दलवी जी निकिता तुम्हारा सर आ रहा है पूरा, अरे पूरा पहनी में सर आ रहा है, फिर भी वहाँ पे पुरुषी जी यहाँ पे आइए, जी एक से भागे पुरुषी जी, मैं सेंटर में हूँ, यहाँ देखिएगा बस। पुरुषी जी वेट, पुरुषी जी एक मिनट, पुरुषी जी एक मिनट, नाइस पास पुरुषी जी। मैम दिखाओ फोटो, इसका नाम अमर उपाध्याय, अमर अमर उपाध्याय, अमर ना अब मारोगे, अब मारोगे लाइट मारो, किधर से मारोगे लाइट, ये मार दे कौन है अमर भाई, राइट अमर सर, अमर सर वेट सर 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 ये मार, दिस मार, एक बार और क्या बोलो अमन भाई, वेट सर वेट 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 बाय, नाइस ब्रो, बोल बोले एक सेंटर कम पड़ रही है, वाइट नहीं मसाबा जी, यहाँ पर रुकिएगा,
होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स लास्ट बोल रहा पढ़ ले मसाबा जी लेफ्ट होल्ड 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 हेलो इधर मसाबा जी सेंटर में थैंक यू नेक्स्ट मार चलो भाई नेक्स्ट मार नेक्स्ट मार बैक टू बैक हां अरे यहां पे अरे तू हटो निक्की इधर नीचे हो जा तो अरे सर आ रहा तुम्हारा पूरा यार कटवा दे तुम उधर ही खड़े हो यार मुंडा पूरा खराब हो जाता फ्रेंड आइए प्रणुतन जी यहाँ पे प्रणुतन लास्ट मार्क हाँ बस 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 इधर ही इधर ही बस इधर ही वेट वेट कैसे हो मैम निकली थी अरे लाख बात कर रहे हैं बाप हर बार आ वापस ये रिटर्न कैसे हो मैम वेट 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 कुछ दिन के बाद मिले ना अरे निकिता जी अब अच्छा कपड़ा पहन के आए उनको कैमरा स्लो इनका और चार जगह रुकना है हमारा ये मार्ग इधर कब रुके बस होल्ड उधर नहीं हुआ इधर खड़े फिर भी उधर बुला रहे हैं भैया आप उधर मत ले गए देखिए हम तो बुलाने दो फोटोग्राफर है हमारे मैम इधर के लिए स्पेशल खड़ा कर दूंगा उसके लिए आइए राजेश पीछे है ना हाँ फिर चापरा बोले लो अच्छा 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 अरे कौन का है भाई
बाहर जाने को जगह नहीं है, बाहर जाने को जगह नहीं है। अरे इसका सार आ रहा है यार। अरे वो बोले आगे चला गया, कपड़े नहीं पीछे। अरे मेरा लोग क्या नहीं है क्या बाहर हो गया मिल रहा है फिर बिड़ू भाई इधर बिड़ू भाई बिड़ू इधर पीछे अब रुपए गाने ले ले गाने भाई का चलते चलते लेना पड़ेगा अरे यहां पे ये क्या दादा इधर दादा एकदम दादा इधर दादा इधर विक्रम है ना ज्यादा मजा आ गया विक्रम में अरे भाई फोटो ले गब्बर किसका गब्बर
क्यों बन गया लाइट तुम्हें? मधु जी, मधु जी इस तरफ आइए। मैम ये मार्क पे आइए, इधर इधर ही, इधर ही, इधर ही। मधु जी अभी ये मार्क ना जरा। मधु जी, मधु जी सेंटर। मैं बस बस मैम होल्ड ऑन। मैम रुकिए, बस साथ में आइए। आइए विक्रम सर, विक्रम सर के साथ। मधु जी, मधु जी एक साथ में इधर ही हैं, बस बस इधर ही। यहाँ पे, यहाँ पे मधु जी इधर। सर राइट, थैंक यू, थैंक यू मैम। अरे जो भी गाड़ी से आए ना ऊपर रुक जाएगा अभी जाके। एक्सक्यूज मी मैडम। मैम एक्सक्यूज मी। जेडी भाई इस तरफ आइए। जेडी भाई आ गए हो? खिचड़ी भी कर रहे हो क्या? देखिए, थैंक यू सर। जेडी भाई सामने इधर। दलवी, अरे निक्की तुम बैठ के उधर जाओ। सर आ रहा है, ये निक्की यही शॉट में। अरे भाई तो घुसो ना अंदर, वो बातें भाई अंदर ना। विजय भाई, वो विजय भाई अंदर आ जाओ। विजय भाई अंदर आइए। नेक्स्ट मार्क मनीष भाई, झुक झुक दियो इधर आओ। मनीष भाई इधर, मनीष भाई, मनीष भाई ये मार्क, ये मार्क मनीष भाई। यहां पे रुकिए सामने। मनीष भाई ये मार्क, और एक मार्क लास्ट। मनीष भाई झुक झुक दियो, आप भी झुक झुक दियो। कल मिलकर मनीष भाई एक फ्रेंड। Once more. इधर कराएंगे ना, रुकना। आइए डांडेकर जी। अरे सब मारेंगे तुम मिल गए। दो मार्क और है।
नेक्स्ट मार्क अनिश सर। अरे अरे इधर ध्यान दे। अरे उधर से बंद है। बंद है बंद है नीलिमा बंद हो गया सर सर। नेक्स्ट मार्क पे बोला नेक्स्ट मार्क राजेश के सामने महादेव के सामने महादेव बोल दिया फिर हाथ डाला उधर भी इधर से भी उधर बुला रहे वेट वेट मैम एक मार्क और आगे ये दिस मार्क पहले इधर रुकिए पहले इधर अरे क्या भाई अरे अरे पासिंग रुको हिना जी इधर वेट 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 थैंक यू हिना हेलो हिना थैंक यू नहीं आज कुछ नहीं ऐसे आज आज सवाल जवाब नहीं है नेक्स्ट मार्क यहां पे
मैम ये मार जैस्मिन जी बस बस अरे सेंटर में हो यहां पे अरे पासिंग बंद करो मैम ये जैस्मिन जी भाई किधर है इधर देखिए अजय को मिल गया नो 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 कयामत कयामत बारिश आई आई मैं एक साथ माया है जनाब आए बोल भाई भाई ने कर को भी किया भाई यहां पे ऋतिक भाई इधर आ वो खाली पिंक वाला के लिए आज इंटरव्यू नहीं इसके लिए तो बाकी बात बोलना तुम बोल सकते सुनील भाई तुम बोल सकते वो निकिता हो तुम पहचान से क्या नाम है मैं इतना नहीं हूँ बात कर सूर्यवंशी ने पृथ्वी राज चौहान क्या नाम है पृथ्वी राज चौहान नाम मनुष्य राय यार ये बीच में इंटरव्यू में तो मनुष्य राय तुम लोगों मनुष्य जी इधर वाइट इधर देख मनुष्य दिस साइड ठीक है तेरा साथ में यार वो साथ में फोटो खिंचाने वाला मनुष्य या ये खड़े रहती मनुष्य या मनुष्य या वेट 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 होल्ड ऑन थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरे नहीं पूनम जी हमारे पे आई अरे थैंक यू एक मार्क आगे भाई यहां पे सामने भाई यहां पे
कम्मा इधर सेंटर ये वन मोर नेक्स्ट मार नेक्स्ट मार बस बस बाय बाय यार बाय ऑल द बेस्ट कल के लिए हिट है हिट है टेंशन नहीं हिट है हम लोग है दूसरे पिक्चर हिट कराएंगे एक ने दूसरे में हम अरे तुम लाज मारते मेरा एलसीडी पूरा अरे इसको बोलो थोड़ा राजेश हाँ तो नेक्स्ट में क्या
बात है दीप्ति जी, क्या बात है। Hold few seconds. Just sir. Would you like to say something? Ki acha this meeting and what? Sir, would you like to say something? Can you have some Hindi English? क्या? You comfortable Hindi English? किसी में? जब मिल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब के जो जीतने की खुशी के अंदर हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमारे दोस्त यार सब मिलके we are celebrating his success in Asansol, Massachusetts, and we are becoming the member of parliament. Madam, same exactly, just celebrating. Great, yes. Thank you so thank much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. क्या आप एकदम सामने अच्छा हमको सिखाया इन्होंने चलो अरे रुको ना रिजल्ट तो ले लो सर मैडम जी रवीना जी कैसे हो मैम रुकिए ना एक सेकंड हमारे लिए हाँ थोड़ा मास्क निकाल मास्क निकालिए ना थोड़ा सा अरे मैडम जी रवीना जी आप एक सामने सामने देखिए मैडम जी मेरे पास रुक 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 यहाँ पे देख ले रवीना यहाँ पे सुपर स्टार हो तो देखेंगे देखने दीजिए मैडम जी चुपचाप अच्छा अच्छा एंट्री मार के चुपचाप निकलने की आदत है रवीना जी शशि जी ने एक गैदरिंग रखी है एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू शत्रु जी इन विच एवर फील्ड एंड वेयरएवर ही चूजेस टू वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिज सक्सेस मच डिजर्व्ड थैंक यू सो मच जल्दी आइए मैडम अरे इधर तो जल्दी जाओ मैडम बोल रही थी वो उन्होंने मेकअप नहीं किया था ये फोटो अच्छा अच्छा वो फोटो मत पोस्ट कर नहीं डाल मनोज मैडम बोल रही थी वो मेकअप नहीं किया था ये पे रुके लगा के जी एफ टू की सक्सेस अभी तक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं अभी भी जो लोग फिल्म में देखते हैं कैसे देखते हैं एक आपका जो प्राइम मिनिस्टर का जो किरदार है वो लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया कैसे देखते हैं आप के जी एफ टू को आई थिंक बहुत बढ़िया रहा उसका रन भी बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक एंड इतने दिनों में कोविड के टाइम पिक्चरें अच्छी नहीं की तो आई थिंक पूरे इंडस्ट्री के लिए एक होप है कि पिक्चरें अच्छी करें एंड हम लोग मेहनत करते जाएंगे लोगों को कभी अच्छी लगती है कभी नहीं लेकिन इसकी सक्सेस तो वाकई में इट वाज ट्रूली डिजर्विंग आई फील जैसा कि KGF 3 की बातें आई थिंक शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली होपफुली जैसे हम लोग पहले नहीं बोल सकते थे KGF 2 के बारे में अभी भी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थैंक यू सो मच सर यहां थोड़ा पिछले नासिर यार कितना आगे लेता है सर अरुण हाँ हाँ सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कुछ अभी पहले ओके सर प्लीज़
मैम नीचे आ जाइए, मैडम जी मैम यहाँ पे देखिए, मैडम जी ये ना सर, एक नहीं मैं फोटो ले लो, बस सर रुकिए ना, सर यहाँ है, सर अरे यहाँ पर है, इधर लेके जा रहा था, उधर फोटो करते सर, सुबह सर बस सर सर, लुक सेंटर सर सोनाक्षी मैम, एक मिनट होल्ड मैम, मैम मैम और थोड़ा सा कट करेगा सब,
जानिए सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान के बारे में। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म सुल्तान अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया था और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा अनुष्का शर्मा, रणदीप हुड्डा, अमित साधा, आनंद विधाती जैसे कलाकार भी थे। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और भी डिटेल में। सबसे पहले शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सुल्तान से। सुल्तान अली खान एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान और पूर्व कुश्ती चैंपियन हैं, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में एकांत जीवन जी रहे हैं। श्री पटेल द्वारा समर्थित एक निजी मिश्रित मार्शल आर्ट लीग के स्थापक आकाश ओबेरॉय को उनके पिता द्वारा सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा की यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देता है, जो स्पष्ट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुश्ती से पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो गया है। अपनी सेवानिवृत्ति के पीछे के कारण की तलाश में आकाश सुल्तान के करीबी दोस्त गोविंद का सामना करता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। 2008 में सुल्तान को राज्य स्तर की पहलवान और स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी आरफा हुसैन से प्यार हो गया। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति ठंडी होती है, लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। जब वह दावा करता है कि वे प्रतिद्वंद है, तो वह उसका अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित पहलवान से शादी करेगी। अपना सम्मान जीतने के लिए दृढ़ संकल्प, सुल्तान खुद को गहन प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट जीतता है, साथ ही साथ आरफा भी। दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त पहलवान बन जाते हैं। जब दोनों को ओलंपिक दल के लिए चुना जाता है, तो आरफा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है, जिसे सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे घमंडी बना देती है और वह एक कार्यक्रम में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में स्वर्ण पदक जीतने के लिए आरफा को उसकी नियत तारीख के करीब छोड़ देता है। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके नवजात बेटे की खून की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। बच्चे का ओ नेगेटिव ब्लड था, जो सुल्तान के समान था, जिसकी अनुपस्थिति ने बच्चे को दाता से वंचित कर दिया। गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है। आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि ब्लड बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत होता है और दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए यात्रा करता है, जहां आकाश उसे एमएमए कोच फतेह सिंह से मिलवाता है, जो शुरू में उसे मना कर देता है, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प को देखने के बाद सहमत हो जाता है। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और सीखता है कि फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। अपनी पहली लड़ाई में सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वह जल्दी मैचों की एक श्रृंखला जीतकर और एक प्रक्रिया में आरफा का समर्थन प्राप्त करके एक राष्ट्रव्यापी सनसनी बन जाता है। प्रतिद्वंदी टाइटन वुडली के खिलाफ सेमीफाइनल दौर के दौरान सुल्तान लड़ाई जीत जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध करना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चोटें घातक हो जाए। आरफा वार्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तान पुरस्कार की राशि को उपयोग करके एक ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक अपनी बच्ची को जन्म देती है, जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में बनाना शुरू करता है। इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग ने लोगों के दिलों को इस कदर छुआ कि इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में ही लगभग 206 करोड़ की कमाई की और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इस फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म की पावरफुल स्टोरी के साथ ही इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए, जिसमें जग घूमया, सुल्तान, वोल्ट, बेबी को बेस पसंद, बुलिया जैसे गाने शामिल थे। बता दें कि इस फिल्म के सारे गाने को विशाल शेखर ने बनाया था और इसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे थे और इस गाने को कोरियोग्राफ फराह खान ने किया था। आपको बता दें कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क अक्टूबर 2015 में शुरू कर दिया गया था और ये फिल्म 6 जुलाई 2016 में रिलीज की गई
और ये फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक में शुमार हो गई। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट फिल्म अवार्ड थे। जानिए सलमान खान और अनुष्का शर्मा स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान के बारे में। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म सुल्तान अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया था और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा अनुष्का शर्मा, रणदीप हुड्डा, अमित साधा, अनंत विधाती जैसे कलाकार भी थे। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और भी डिटेल में। सबसे पहले शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सुल्तान से। सुल्तान अली खान एक मध्यम आयु वर्ग के स्थानीय पहलवान और पूर्व कुश्ती चैंपियन हैं, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर रेवाड़ी में एकांत जीवन जी रहे हैं। श्री पटेल द्वारा समर्थित एक निजी मिश्रित मार्शल आर्ट लीग के स्थापक आकाश ओबेरॉय को उनके पिता द्वारा सुल्तान की लोकप्रियता को बचाने के लिए भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा की यात्रा करने के बाद वह सुल्तान को भर्ती का प्रस्ताव देता है, जो स्पष्ट रूप से मना कर देता है और कहता है कि वह कुश्ती से पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो गया है। अपनी सेवानिवृत्ति के पीछे के कारण की तलाश में आकाश सुल्तान के करीबी दोस्त गोविंद का सामना करता है, जो बताता है कि सुल्तान का करियर कैसे शुरू हुआ। 2008 में सुल्तान को राज्य स्तर की पहलवान और स्थानीय कुश्ती कोच की बेटी आरफा हुसैन से प्यार हो गया। हालांकि वह शुरू में उसके प्रति ठंडी होती है, लेकिन वह सुल्तान को एक दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। जब वह दावा करता है कि वे प्रतिद्वंद है, तो वह उसका अपमान करती है और कहती है कि वह केवल एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित पहलवान से शादी करेगी। अपना सम्मान जीतने के लिए दृढ़ संकल्प, सुल्तान खुद को गहन प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है और अंततः एक राज्य स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट जीतता है, साथ ही साथ आरफा भी। दोनों शादी कर लेते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मान्यता प्राप्त पहलवान बन जाते हैं। जब दोनों को ओलंपिक दल के लिए चुना जाता है, तो आरफा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के अपने बचपन के सपने को छोड़ देती है, जिसे सुल्तान तब पूरा करता है। उसे आश्चर्य होता है कि सुल्तान की उपलब्धि उसे घमंडी बना देती है और वह एक कार्यक्रम में एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार देता है। वह तुर्की में स्वर्ण पदक जीतने के लिए आरफा को उसकी नियत तारीख के करीब छोड़ देता है। लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके नवजात बेटे की खून की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। बच्चे का ओ नेगेटिव ब्लड था, जो सुल्तान के समान था, जिसकी अनुपस्थिति ने बच्चे को दाता से वंचित कर दिया। गुस्से में आरफा सुल्तान को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने से उदास सुल्तान अपने बेटे के नाम का ब्लड बैंक खोलने के लिए धन जुटाता है। आज के समय में आकाश सुल्तान से वादा करता है कि टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि ब्लड बैंक खोलने के उसके सपने को पूरा करेगी। सुल्तान भाग लेने के लिए सहमत होता है और दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए यात्रा करता है, जहां आकाश उसे एमएमए कोच फतेह सिंह से मिलवाता है, जो शुरू में उसे मना कर देता है, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प को देखने के बाद सहमत हो जाता है। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद सुल्तान अपनी काया को वापस पा लेता है और सीखता है कि फ्री स्टाइल में कुश्ती कैसे की जाती है। अपनी पहली लड़ाई में सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठित कुश्ती शैली का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को हरा दिया। वह जल्दी मैचों की एक श्रृंखला जीतकर और एक प्रक्रिया में आरफा का समर्थन प्राप्त करके एक राष्ट्रव्यापी सनसनी बन जाता है। प्रतिद्वंदी टाइटन वुडली के खिलाफ सेमीफाइनल दौर के दौरान सुल्तान लड़ाई जीत जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सुल्तान को दोबारा युद्ध करना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चोटें घातक हो जाए। आरफा वार्ड में आती है और उसे लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। फाइनल मैच के दौरान सुल्तान अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपने दर्द पर काबू पाता है और अंत में टूर्नामेंट जीत जाता है। अपनी पत्नी के साथ फिर से सुल्तान पुरस्कार की राशि को उपयोग करके एक ब्लड बैंक खोलता है और आरफा कुश्ती शुरू करती है। कुछ साल बाद वह एक अपनी बच्ची को जन्म देती है, जिसे सुल्तान पहलवान के रूप में बनाना शुरू करता है। इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग ने लोगों के दिलों को इस कदर छुआ कि इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में ही लगभग 206 करोड़ की कमाई की और ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म बन गई। और बाद में इस फिल्म ने दुनिया भर में 623.33 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई।
इस फिल्म की पावरफुल स्टोरी के साथ ही इस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए, जिसमें जग घूमया, सुल्तान, वोल्ट, बेबी को बेस पसंद, बुलिया जैसे गाने शामिल थे। बता दें कि इस फिल्म के सारे गाने को विशाल शेखर ने बनाया था और इसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे थे और इस गाने को कोरियोग्राफ फराह खान ने किया था। आपको बता दें कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क अक्टूबर 2015 में शुरू कर दिया गया था और ये फिल्म 6 जुलाई 2016 में रिलीज की गई और ये फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक में शुमार हो गई। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट फिल्म अवार्ड थे।